अभी तक आपने इंसानों को CPR देकर लोगों की जान बचाती हुए देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी इंसान द्वारा सांप को CPR देकर जान बचाती हुई देखा है? दरअसल मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के एक पुलिस कांस्टेबल ने सांप को CPR यानी मुंह से सांस देकर उसकी जान बचाने का दावा किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हो रहा है। कांस्टेबल अतुल शर्मा नर्मदापुरम जिले की सेमीहरचंद पुलिस चौकी में तैनात है। कांस्टेबल शर्मा ने बताया कि वो दशहरा ड्यूटी कर रहा था, तभी उसको सूचना मिलती है कि रेलवे स्टेशन के पास एक मकान में सांप घुस गया है और वह पाइप के अंदर बैठा हुआ है। वहां पहुंचा तो पता चला कि लोगों ने उसे बाहर निकालने के लिए पानी में कीटनाशक मिलाकर पाइप में डाल दिया है, इस वजह से सांप अचेत हो गया है। कांस्टेबल शर्मा ने जैसे तैसे करके सांप को पाइप से बाहर निकाला और साफ पानी डालकर उसे होश में लाने की कोशिश की। इसके बाद कांस्टेबल शर्मा ने सांप को CPR दिया। होश में आने और सामान्य होने में उसे करीब एक घंटा लगा। बाद में सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। वहीं कई विशेषज्ञों का कहना है कि सांप को CPR देना संभव नहीं है, क्योंकि सांप के शरीर की संरचना इंसानों से अलग है, उसे CPR नहीं दिया जा सकता। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।